Myself Sakshi, and today we are going to read the 11th chapter of Reader, a letter to God, ek patra bhagwan ke liye. Okay, this is an interesting story, and in this chapter we will learn about trust, a man's trust on the God. Okay, so the house, the only one in the entire valley, puri ghati par ek ghar, set on the crest of a low hill. Jo crest means hota hai top, jo low hill matlab choti pahadi ke top par sthit tha. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, उस हाइट से कोई भी इंसान रिवर देख सकता था, एंड फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, कॉर्न के फील्ड देख सकता था जो फ्लावर्स से ढके हुए थे, एंड ऑलवेज दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा ये प्रॉमिस करते थे देखने में कि वो हार्वेस्ट यानी पकने को तैयार हैं. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर, केवल एक एक थिंग थी, एक जो चीज़ थी वो अर्थ, जो अर्थ को नीड चाहिए थी उस टाइम, मतलब जो आवश्यकता थी वो सिर्फ एक हैवी रेन या फिर एक शावर की थी, यानी बारिश की आवश्यकता थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह में लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, जो जानता था कि उसके फील्ड्स जो इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसके फील्ड अब पूरी तरह से पक चुके हैं, मतलब तैयार हैं, अगर बारिश हो जाएगी तो सब कुछ ठीक रहेगा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमैन, द वुमैन हु वॉज प्रिपेरिंग सुपर सुपर सप्लाई यस गॉड विलिंग, वो कहता है एक औरत से, मतलब वुमैन से, लाइक नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमैन, कि अब हमें रियली कुछ वाटर की ज़रूरत है, कुछ पानी की आवश्यकता है. इस पर वुमैन जो है वो रिप्लाई करती है, यस हाँ गॉड विलिंग. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो ओल्डर ब्रका होता है वो काम कर रहा होता है, काम कर रहा था खेत में, एंड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि ये छोटे लड़का था वो खेल रहा था हाउस के अलावा. अंटिल द वुमैन कॉल्ड द डैम और कम ऑन फॉर डिनर, और इतनी देर में जो वुमैन होती है वो सबको डिनर के लिए आवाज़ लगाती है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट ये जस्ट एज लंचो हैड प्रेडिकेट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, जैसे ही वो मील यानी खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं तो लंचो के ऊपर एक बहुत बड़ी बारिश की बूंद गिरती है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा है वो फ्रेश और स्वीट.